हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखने वाले हैं। अभी तक हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं यूनिट वेट, टाइप ऑफ यूनिट वेट और ड्राई डेंसिटी, ये सब चीजें देख चुके हैं। और आपको कंप्लीट पेज देखनी हो सोइल मैकेनिक्स से तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को और दो नाम से जानते हैं, तो हमें ये भी याद रखनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं। न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट नाम देंगे, तो सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एब्सोल्यूट या फिर ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम सिंपल जी से, या फिर हम इसको जी एस से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जी और नीचे छोटा एस, ठीक है, इससे भी डिनोट कर देते हैं। बाकी इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जी एस इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसी से बाकी ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले लिखे हुए, इसी से बाकी भी सारे ड्राई हो जाते हैं। आप करेंगे चाहे तो कर सकते हैं, नहीं मैं अभी एक बार करके दिखा देता हूँ जल्दी से। तो हमें पता है यूनिट वेट किसके इक्वल होता है, यूनिट वेट होता हमारा रो जी, ठीक है। रो क्या होता हमारा डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड रो जी इंटू, तो ये हो जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, तो ये यहाँ पर कट जाता है, इक्वल होगा, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा एक ड्राइव हो गया, ठीक है। अब हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। नीचे भी हमारी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, पर ये जो मास होगा ये होगा सॉलिड का, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर है तो मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। और ये तो हमें याद, एक तो याद रखना पड़ेगा, बाकी हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सबसे कॉमन बोलूंगा क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद करिए, बाकी आप ड्राइव भी कर सकते हैं आराम से, बाकी भी आपको याद हो जाएंगे जब क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। और वेट ऑफ सॉलिड इसी से हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यूनिट वेट को वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, नीचे भी लिख सकते हैं हम वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर। तो ये फॉर्मूला भी ऐसे ड्राइव हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं, बड़े सिंपल फॉर्मूले थे, ऐसे याद रख सकते हैं। अब कुछ जी की वैल्यू है, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए हमारी जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू ध्यान रखना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर जो एवरेज वैल्यू, जब भी अगर आपका कभी एमसीक्यू आता है ना, तो आपको हमेशा यही लगाना है, ठीक है, 2.65 हमारा रेशियो होता है ना, तो इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती, ठीक है, यूनिट लेस होता है हमारा जी। तो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए हमारी जी एस की वैल्यू कितनी होती है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 2.65, ठीक है, याद रखना है हमें, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ लेंगे आपको। और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितनी होती है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए इसकी वैल्यू कम हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1.2, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। और जी एस इज रिपोर्टेड एट, इसको हम किस टेम्परेचर पे हम इसको नापते हैं, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे हम जी एस की वैल्यू, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता ही है किस टेम्परेचर पे करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये है, यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से भी लिख दिया है, ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। अब हमारा दूसरी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको हम बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों स्पेसिफिक ग्रेविटी के अलग अलग नाम है। इसका और दो जो नाम है वो है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीसरा नाम है अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, तीनों नाम में से कोई भी आपका क्वेश्चन में नहीं मिल सकता है न्यूमेरिकल में, तो इससे कंफ्यूजन हो सकती है आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको नाम याद रखने हैं तीनों, वहां पर भी तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी यही होती है, एब्सोल्यूट ट्रू, एब्सोल्यूट और ट्रू, यहां पर क्या है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीनों नाम याद रखने हैं। और उसको जो डिनोट करते हैं हम जी एम से डिनोट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। इसका फॉर्मूला बस सिंपल चेंज हो जाता है, इसका हो जाता है डायरेक्ट यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, इसका सिंपल है।
अभी उसका फॉर्मूला कौन सा था, सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी का, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड यूनिट वेट ऑफ वाटर। और हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या हो जाता है, यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। बस थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है, हमारी दो टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है, दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी जो जी एम है उसको भी हम डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं, सेम जैसे हमने सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिखा था। ये तो हमारा फॉर्मूला था, बाकी भी हम इसी से ड्राइव कर सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे, आप खुद करके देखेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं हम। और हमने ये रिलेशन देखा था, हमें लास्ट लेक्चर में हमने ये रिलेशन देखा था। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू सबसे बड़ी होती है और उससे छोटी होती है यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, उससे छोटी होती है हमारी सिंपल यूनिट वेट, जिसको हम बल्क यूनिट वेट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम और भी सिंपल से डिनोट करते हैं, गामा बी हो गया हमारा। ठीक है, और गामा टी, ये सब हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। और हमारा अगला होता है ड्राई यूनिट वेट, उससे भी छोटा होता है, और सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो हमें सबमर्ज यूनिट वेट की होती है। तो अभी हमने देखा जीएस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, और ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब हमारी क्या होगा इसमें, हमारी जीएस की वैल्यू मतलब सॉइल सॉलिड, गामा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। तो इसकी वैल्यू बड़ी है हमारी किससे, सिंपल गामा से। इसमें यूनिट वेट फॉर्मूला होता है गामा बाय गामा डब्ल्यू, ये हमारा जीएम का फॉर्मूला होता है, और ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, जीएस का। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू जब हमारी सिंपल यूनिट वेट से बड़ी होगी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड मोर देन यूनिट वेट, तो सिंपल सी बात है हमारी यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड या फिर सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा बड़ी होगी। तो ये सिंपल हम रिलेशन याद रख सकते हैं, एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब हमारा एक छोटा सा रिलेशन होता है मतलब ये फॉर्मूला, तो ये भी कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको एक बार ये भी देख लेना चाहिए, छोटा सा है, आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है हमारा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होगा हमारा 27 डिग्री टेम्परेचर पर, वो ही यूनिट वेट हमारा इक्वल होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड वो ही यूनिट वेट हमारा टी डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। तो अभी हमें देखा था जी की वैल्यू क्या आती है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को जी इंटू गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो वही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी इंटू गामा डब्ल्यू किसी पे 27 डिग्री सेल्सियस पे, और गामा डब्ल्यू हमारा गामा डब्ल्यू 27 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ऐसे हम उस साइड भी लिख सकते हैं जी टी डिग्री सेल्सियस इंटू गामा डब्ल्यू टी डिग्री सेल्सियस, ये हमें गिवन नहीं है टेम्परेचर। ठीक है, तो जी जो हमारा टी डिग्री सेल्सियस पे होगा उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टेम्परेचर जैसे अभी कोई भी टेम्परेचर अगर हमारे क्वेश्चन कभी आ जाता है जैसे 40 डिग्री दे दिया, तो वहां से यहाँ से इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो जी टी डिग्री सेल्सियस पे अब कितना होगा हमारा जी 27 डिग्री सेल्सियस। बस हमने क्या किया है, इसको उसके नीचे ले गए और हमने फॉर्मूला बना दिया है। बस एक बार देखने के लिए था, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एक बार देख लिया बस, आपको इतना ही देखना था। अगले लेक्चर में हम सारे डिफरेंट जो रिलेशनशिप्स है, बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले वो हम देखेंगे, जितने भी रिलेशन होंगे इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, वो सारे देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।